हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस माय नेम माई नेम विजयन और आज है फिफ्थ जनवरी 2021 और फिर से दा हिंदू की एनएसिस का समय हो चला है ठीक है तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आपका जो आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है उसको जो है हम थोड़ा तो डिस्कस करेंगे सुप्रीम uh, कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिन्होंने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक ऑर्डर दिया है कि आप जो है एक लॉ को एक लॉ आपका 2017 में पास हुआ था उस लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने या तो बिल्कुल डिलीट करने के लिए कहा या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कहा है ठीक है और वो लॉ है क्या वो लॉ ये था कि टू थाउजेंड में जो पास किया गया था उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न थे कि अगर किसी व्यक्ति पर हमें शक भी है कि वो एनिमल ब्रुटैलिटी इन सब में इन्वॉल्व है ठीक है जो भी उसके पास एनिमल है वो उसके साथ कोई क्रोलिटी वाला एक्ट या कोई ब्रुटैलिटी वाला एक्ट कर रहा है ठीक है तो जो है वो जो एनिमल होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा उसको सीज कर लिया जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद जो एनिमल होगा उसको गौशाला में रखा जाएगा तो इस लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा उसकी क्रिटिसिजम उसका किया है सुप्रीम कोर्ट ने और सेंटर को जो कहा है सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कहा है कि आप इसको डिलीट कर दीजिए ठीक है तीन साल पुराना आपका यह कानून है

तो बिना ये सब प्रूफ हुए भी जो है वो जो एनिमल है उसको जो है कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था तो उसको सीज कर लिया जाता था तो इस वजह से इस वजह से जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया और इसको जो है डिलीट करने के लिए कहा गया ठीक है आपके चीफ जस्टिस जो आपके थे आपके हैं शरद शरद अरमिद बोब्दे उन्होंने जो है इस मामले की आ, रूलिंग दी ठीक है तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो आपका ये जो आपके एनिमल्स हैं ये सिर्फ पैट नहीं है ठीक है कोई हम कुत्ते या बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पर हम लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक में आपको पता है कि आपके आपकी बफेलोज काउज गोटर एट्सट्रा आपकी ये सब मोस्टली आपके आती हैं ठीक है थीके? इन पर जो है लिवलीहुड डिपेंड करता है मोस्टली फार्मर्स का ठीक है मोस्टली फार्मर्स ही होते हैं आपके ठीक है जो डेयरी फार्मिंग एट्सेट्रा में इन्वॉल्व रहते हैं ठीक है तो उन उनपे जो है उनका लिवलीहुड डायरेक्टली डिपेंड करता है तो अगर उनको जो है ऐसे सीज कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लेवलीहड पर जो है ख़तरा आ जाएगा ठीक है लेबलीहुड पर खतरा आ जाएगा तो बहुत एक बुरी बात उनके लिए हो जाएगी वो कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल पर सर्वाइवल पर जो है थोड़ी मुश्किलें बन जाएंगी अब ठीक है तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है और उनका ये भी कहना है कि ये जो ये जो काम आप कर रहे हैं ठीक है ये कहीं ना कहीं जो आपका एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट इसमें सेक्शन 29 जो है उसके अगेंस्ट में जाता है ठीक है क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी इंसान का क्राइम आ, एनिमल एनिमल क्रुएलिटी या एनिमल ब्रुटेलिटी के अगर Uh, अगर रिलेशन uh, में अगर प्रूव नहीं होता है तो आप उसके जानवर को उसके एनिमल को आप लोग सीज uh, नहीं कर सकते ठीक है उसके जानवरों को आप उससे अलग नहीं कर सकते ऐसा क्लियरली मेंशन है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में ठीक है अगर इसके अपोज कोई काम अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में जाते हैं ठीक है देन नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो है आपका मैक्सिमम गवर्नर ठीक है आपने टर्म सुना होगा मैक्सिमम गवर्नेंस सुना होगा ना ठीक है तो मैक्सिमम गवर्नेंस एक अपने वर्ड सुना होगा तो अब उसी को थोड़ा सा ट्विक करके इस आर्टिकल की हेडिंग बना दी गई है मैक्सिमम गवर्नर ठीक है यहाँ पे गवर्नर के बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे कि आजकल गवर्नर के द्वारा जो हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं जो गवर्नर के द्वारा जो हम आ, कुछ एक्शंस जो हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ठीक है कि वो कैसे जो है इंडिया के फेडरलिज्म को एक खतरा बताया जा रहा है तो वो क्यों इंडिया के फेडरलिज्म को एक खतरा है इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ठीक है जिसमें हमने गवर्नर की पावर्स की बात की है कि जो किसी जब लेजिलेटिव असेंबली को जब सम्मन करना होता है जिसको सेशन जब कंडक्ट करवाना होता है तो उसमें गवर्नर के क्या पावर्स हैं क्योंकि हमने बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा देखा है कि जो गवर्नर है स्टेट्स के वो जो कैबिनेट की जो रिकमेंडेशन आती है कि अब जो है हमें लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन कंडक्ट करवाना है उसको होल्ड करवाना है तो उस रिकमेंडेशन को जो गवर्नर है वो क्लियरली रिजेक्ट कर देते हैं ठीक है या फिर उसके अगेंस्ट में जाकर काम करते हैं अगर किसी कैबिनेट ने मना किया है आ, सेशन कंडक्ट करवाने से तो वो जोर देते हैं कि उसको कंडक्ट करवा नहीं करवाना है, है जैसे आपका मध्य प्रदेश में हुआ ठीक है वहीं अगर हम अगर कोई ऐसी रिकमेंडेशन आई है कि हमें सेंट्रल हमें जो सेशन है उसको कंडक्ट करवाना है तो फिर जो गवर्नर है वो मना कर देते हैं कि जी नहीं हम जो है सेशन को कंडक्ट नहीं करवाएंगे ठीक है तो दोनों ही जगह पर हमने क्या देखा कि जो रिकमेंडेशन कैबिनेट से आई उसके अगेंस्ट में गवर्नर ने काम किया ठीक है तो इसके इसके ऊपर हमारी वीडियो एक अवेलेबल है आप जाकर उसको देख सकते हैं ठीक है अभी फिलहाल इस आर्टिकल को देखते हैं एक बार द मिस यूज़ ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस टू अंडरमाइंड ड्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्मेंट इज अ पर्टिकुलरली मिसचिवियस रिसेप्शन ऑफ फेडरलिज्म ठीक है फेडरलिज्म पर खतरा है डेफिनेटली क्योंकि आपको पता है गवर्नर जो है वो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है ठीक है तो अगर वो स्टेट में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी वो भले ही है लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गलत तरीके से फेवर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये गलत बात है ठीक है केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान्स फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ इस पावरफुल ऑरेटरी टू डिफेंड द सेंटर एंड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन द स्टेट ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स मेक्स इम पार्टीशन एंड अंडरमाइज डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक है तो हम सबको पता है कि हम गवर्नर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उसके व्यूज़ हों वो आ, आ, पार्टीशन के पार्टीज के बेसिस पे ना बेस्ड हों ठीक है वो किसी एक पार्टी का पक्ष ना लें निष्पक्ष उनके जो है पूरे पूरे विचार हो ठीक है उनके जो उन वो जो अपने एक्शन लें वो निष्पक्ष तरीके से ले ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए कोई गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर लेता है तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है ठीक है वही बात फिर से आ जाती है तो अभी करेला में क्या हुआ था केरला में जो आपकी कैबिनेट है उन्होंने ये कहा कि हम जो है एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करवाएंगे अपनी असेंबली का जिसमें हम लोग फार्म लॉज जो आपके उसको डिस्कस करेंगे एक बार तो उस स्पेशल सेशन को कंडक्ट करवाने से मना कर दिया गया केरला के गवर्नर के द्वारा ठीक है तो ये थोड़ी गलत बात थी ठीक तो है इसी बात को लेकर हमने वीडियो बनाई थी देन ही क्वेश्चन द अर्जेंसी ऑफ द स्पेशल सेशन एंड थॉट एंड थॉट द असेंबली लैक दुरशन टू ऑफर अ सोल्यूशन तो उनका ये कहना था कि जो असेंबली का जो जो सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं स्पेशल सेशन ठीक है कहीं ना कहीं उसके पास जुरिसन नहीं है कि वो सोल्यूशन निकाल सके जो आपका भी स्टेलमेट चल रहा है फार्मर्स के बीच में और यूनियन uh, गवर्नमेंट के बीच में ठीक है उसको रिजोल्व करवाने की जो जुडिजन है वो कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्टिव असेंबली के पास नहीं है इस वजह से जो है उन्होंने मना करा ऐसा उन्होंने अपना तर्क दिया ऐसा उन्होंने रीज़न दिया आरिफ मोहम्मद खान ने ठीक है तो अगर वो ये जो लैजस्लेटिव असेंबली का सेशन कंडक्ट करवाने का जो ये एक काम है ना ये क्लियरली एक फंक्शन है गवर्नर का फंक्शन है पावर नहीं है ठीक है फंक्शन है ये कोई शक्ति नहीं है उसको अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर कोई गवर्नमेंट किसी स्टेट में पॉपुलर गवर्नमेंट है उसके पास पूरा पूरा सपोर्ट है मेजोरिटी है ठीक है बहुमत के साथ वो सरकार बनी हुई है तो कहीं ना कहीं गवर्नर के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो उनकी रिकमेंडेशन को नकार दे ठीक है सरकार की बात राज्य सरकार की बात जो है गवर्नर को माननी ही माननी पड़ेगी अगर मान लीजिए बहुमत नहीं है उस सरकार के पास तो जो है गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है फिर वो गवर्नर अपने विवेक का इस्तेमाल करके डिसीजन ले सकते हैं ठीक है लेकिन अगर सरकार बहुमत से है तो कहीं ना कहीं गवर्नर को अपनी उनकी बात माननी पड़ेगी ठीक है फिर उनके फिर उनके पास कोई और चॉइस नहीं होगी ठीक है फिर अगर वो इसके अगेंस्ट में जाते हैं तो फिर वो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ठीक है असंवैधानिक वो हो जाएगा तो ये सारे काम करने से गवर्नर को बचना पड़ेगा अगर पहले की बात करें तो मिस्टर खान जो है उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था केरला के असेंबली में उसको भी काफ़ी उस पर प्रश्न उठाए थे और उन्होंने क्लियरली पब्लिक में भी सी को काफ़ी सपोर्ट किया था तो इससे हमें क्लियरली पता लग गया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने बड़े सपोर्टर हैं ठीक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना फेवर करते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्लियरली ठीक है बाई लैंडिंग हमसेल्फ एन ऑफिस टू सच पार्टीशन कॉन्फ्लिक्स मिस्टर खान इज़ ऑल्सो बेस्ट वाचिंग हिज पर्सनल पेप्यूटेशन एज अ फीयरसली फेयर माइंडेड पब्लिक फिगर ठीक है तो वही बात है कि गवर्नर से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नर जो हो वो पार्टीशन uh, बेसिस पर ना अपने विचारों को रखे ठीक है अपने पार्टीशन बेसिस पर अपने ना एक्शंस को करे ठीक है जो उनके एक्शंस हों वो बिल्कुल निष्पक्ष हों अगर वो पब्लिकली ऐसा करते रहेंगे लगातार तो कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन भी ऐसा ख़राब हो रही है ठीक है नेक्स्ट आपका आर्टिकल है ब्लैक एंड ग्रे ब्लैक एंड ग्रे ग्रे लिस्ट में आपको पता है पाकिस्तान है पाकिस्तान आपका जो एफ एफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान पर ऐसे लगातार चार्जेस लगते जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आ, टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व रहता है टेररिस्ट आउटफिट्स और ऑर्गेनाइजेशन की वो लगातार फाइनेंसिंग कर रहा है ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग में भी वो लगातार इन्वॉल्व है तो इस वजह से जो है पाकिस्तान को पिछले दो सालों से ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है तो अब क्या हुआ है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने पाकिस्तानी की गवर्नमेंट ने जो है झाकिर रहमान लखवी जो आपके छब्बीस ग्यारह जो हमले हुए थे मुंबई में टू थाउजेंडी टू थाउजेंड एट में तो उनका वो मास्टर माइंड था उसका कनेक्शन था उन उन हमलों से डायरेक्टली तो उसको जो है अभी अरेस्ट कर लिया गया है तो कहीं ना कहीं ये जो एक्शन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिया है इसको हम आ, लिंक कर सकते हैं एफ़ के जो आने वाली मीटिंग है उससे कहीं ना कहीं उसी आ, को दिखाते हुए कि हमने जो है ये स्टेप उठाया है ठीक है सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए पाकिस्तान ने ये स्टैप उठाया है वरना अगर हम आ, सच्चे इंटेंशन की बात करें पाकिस्तान की तो कहीं कोई पक्के इंटेंशन के रहे नहीं होंगे ठीक है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाने के लिए जो है टेरर टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया लेकिन बाद में उसको बेल मिल जाती है आराम से ठीक है तो कहीं ना कहीं सिर्फ उस मीटिंग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है जैसे ही पाकिस्तान को हल्का सा रिलीफ वहाँ से मिलेगा तो पाकिस्तान जो है फिर से अपने पुराने हरकतों पर उतर आएगा ठीक है इट्स अरेस्ट इंड कन्विक्शन ऑफ हाफिज़ साइड एन अदर एल लीडर्स इन टेरर फाइनेंसिंग केसेस द पासिंग ऑफ एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉज द पाकिस्तान असेंबली टू बिंग दैम इन लाइन विद एफ एफ ठीक है अगर पाकिस्तान अपनी असेंबली में अपने पार्लियामेंट में एंटी टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट पास कर रहा है तो देख लीजिए मतलब कितनी ही एक ऐसी बात है जो हमें देखने को नहीं मिलती ठीक है तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एफ के एक्शंस की वजह से ही जो है पाकिस्तान कर रहा है वो भी सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ दिखाने के लिए ठीक है अगर ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करेंगे जाके कि वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है ठीक है तो वो हमें जो है बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा बिल्कुल नल देखने को मिलेगा बिल्कुल ही ठीक है अभी आपको पता है एफ की एशिया पैसेफिक जॉइंट ग्रुप की मीटिंग होने वाली है जनवरी में ठीक है तो वो जो है कहीं ना कहीं मैं रेकमेंडेशन देगा एफ की जो आपकी मेन मीटिंग होगी फेबररी में तो उसकी जो रेकमेंडेशन आएगी वो आपकी एशिया पेसिफ़िक ज्वाइंट ग्रुप से ही आएगी तो उनको दिखाने के लिए भी पाकिस्तान ने ये स्टेप उठाया होगा कि हम जो है हाँ हम काम कर रहे हैं हम टेररिस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में हैं हम उनकी मदद तो नहीं कर रहे हैं ठीक है तो सिर्फ दिखाने के लिए पाकिस्तान ने में किया है मतलब मोस्टली इस पूरे आर्टिकल में आपको यही बताया गया है देन आपके टाइम लिस्ट में बताई गई है कि फेबर की जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 27 पॉइंट्स का एक एक्शन एक प्लान पाकिस्तान को दिया गया था कि आपको इसको अक्टूबर तक कंप्लीट करना है लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ़ 21 चीज़ों पर काम किया दिखाने के लिए ठीक है सत्ताईस चीज़ों में से सिर्फ इक्कीस चीज़ों पर पाकिस्तान ने काम किया छः चीज़ें फिर बाकी रह गई थी जिसके बाद पाकिस्तान को चार मौके एक्स्ट्रा दिए गए कि आप जो है इनको इनको पूरा कीजिए वरना आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा फिर आपकी फ़ाइनल मीटिंग अब फेबररी में होने वाली है तो इसी वजह से पाकिस्तान ने थोड़े बहुत जो स्टेप नए नए उठाए हैं ये इसी वजह से उठाए हैं ठीक है तो अब आपकी जो मीटिंग होगी ठीक है उसमें तीन चॉइस होगी आपकी जूरी के पास कि या तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए ठीक है और या तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए ठीक है दो चीज़ होगी आपकी और आपकी थर्ड चॉइस होगी थर्ड चॉइस होगी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाए और उसको जो है सारे चार्जेस से मतलब एक तरह से बरी कर दिया जाए ठीक है तो मतलब जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रही है उन सबको खत्म कर दिया जाए मतलब बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाए पाकिस्तान को ठीक है तो ये तीन ऑप्शन होंगे अब वो देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है ठीक है फेब्ररी में पता लग जाएगा हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसा डिसीजन आए जिससे जिससे वर्ल्ड की सिक्योरिटी पर भी खतरा ना बने ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये पता है कि ये जो सारे काम पाकिस्तान कर रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ दिखाने के लिए ही कर रहा है ठीक है कोई रियल इंटेंशन इसके पीछे नहीं है पाकिस्तान के ठीक द फीयर फॉर इंडिया इज़ दैट इफ़ प्राइवेट कैन रिवर्स ऑल इट्स एक्शंस और इंडिया इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के में, में कहीं ना कहीं सिर्फ यही एक अप्रीहेंशन होगी कि अगर पाकिस्तान को हल्का सा भी रिलीफ यहाँ से मिला तो पाकिस्तान अपने सारे एक्शंस को फिर से रिवर्स कर देगा जैसा कि पहले वो करता हुआ आ रहा है ठीक है अभी उसमें दिखाने के लिए जो है ये सारे काम कर दिए लेकिन आगे जाके वो फिर से जो है इनको रिवर्स कर देगा फिर इन एक्शन का को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है Uh, और आपको पता है मसूद अजहर काफ़ी फेमस एक टेररिस्ट है ठीक है इन फेमस सॉरी इन फेमस एक टेररिस्ट है आपका ये ठीक है यूएन ने भी इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर डेजिगनेट कर रखा है लेकिन फिर भी जो एन इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन पाकिस्तान में नहीं लिया जाता है ठीक है कुछ दिनों पहले आपके वो मार जो था जिसने आ, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का मर्डर किया था ठीक है उसको भी कुछ दिनों पहले आपको पता है बरी कर दिया गया था ठीक है तो ये सब पाकिस्तान के हमेशा रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसीज का रवैया कैसा रहा है टेररिस्ट के प्रति ठीक है एक आड़े हाथ किसी भी पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी ने टेररिस्ट को आज तक लिया नहीं है सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए वो लोग ऊपर से करते हैं ठीक है रियल इंटेंशन का कुछ रहता है नहीं है देन एम ब्रीन एनर्जी एफिशियंसी एनर्जी एफिशियंट अप्लाइंसिस की इसमें बात करेंगे ठीक है अभी आपका आर के सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020 को उन्होंने अनाउंस किया जिसमें उन्होंने यह कहा कि अगर कोई भी डिस्टर्ब पावर सप्लाई में देखने को मिलती है तो जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जैसे आपकी आ, डेली में आपकी होगी टी डी टी ठीक है वहीं महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो रिलायंस ठीक है तो ये जो कंपनीज़ होंगी ये ग्राहकों को कॉम्पेंसेट देंगी कॉम्पनसेशन देगी अगर कोई भी डिस्टर्पन या कोई वॉलेशन देखने को मिलती है तो ठीक है इन रूल्स में तो इनके द्वारा जो है कॉम्पनसेशन दिया जाएगा ग्राहकों को ऐसे रूल्स नए निकाले गए हैं और आपको पता है हमारे देश में जो ये कंपनीज़ हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ठीक है इनकी जो फाइनेंशियल हालत है जो जिनकी आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी पहले से नहीं है क्योंकि बिजली चोरी के बहुत सारे हमें इंस्टेंसेज देखने को मिलते हैं और वहीं अगर हम देखें तो आपको पता है कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं किसी स्टेट में तो वहाँ की जो सरकारें होती हैं ना जिनको जीतना होता है वो क्या करती हैं कि नई नई स्कीम निकाल देती हैं कि 200 यूनिट हम फ्री कर देंगे 300 यूनिट तक आपको बिल नहीं पे करना आपको 400 यूनिट तक बिल नहीं पे करना वो नई नई ऐसी स्कीम निकाल देते हैं तो इसका डायरेक्ट असर जो पड़ता है वो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज़ है उनके फाइनेंसिस पर पड़ता है क्योंकि उनको तो खरीदनी पड़ेगी ना आगे से उनको तो कोई फ्री में देगा नहीं उनको तो कोई फ्री में देगा नहीं कि आप पाँच यूनिट हम आपको फ्री में देंगे हम आपको चार यूनिट फ्री में देंगे उनके तो आर्थिक स्थिति पर इसका अगल असर पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है तो एक ये दिक्कत हो गई और ऊपर से जो भी आपका कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो जॉब्स हैं वो गई हैं ठीक है जो इनकम लेवल जो लोगों के थे ठीक है उनमें जो हमें डिक्लाइन uh, देखने को मिला है जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी पे नहीं कर पा रहे हैं ठीक है पेमेंट रेट्स में हमें जो है एक डिक्लाइन देखने को मिला है तो इसकी वजह से जो है ये सारी रीजंस की वजह से जो हालत है आर्थिक स्थिति इन कंपनीज की वो और ख़राब हो चुकी है ठीक है तो अब अगर हम आगे की बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर में हमें यही उम्मीद है कि टू तक जो हमारी पावर डिमांड अभी चल रही है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो हमारी अभी चल रही है वो डबल हो जाएगी ठीक है अगले दस सालों में जो हमारी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की वो और डबल हो जाएगी तो क्या हम उस वो जो फेज़ आएगा आपका क्या उसके लिए हमारी जो कंपनीज हैं वो तैयार हैं क्या उनके पास इतनी फाइनेसिस हैं उनकी हालत इतनी स्ट्रॉग है ठीक है क्या हमारी जो सप्लाई है वो इतनी है कि हम जो है इस डिमांड को फुलफ़िल कर पाएँ तो उसके लिए कुछ एक तरीका है हमारे पास कि हम जो है एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी एफिशियट अभी नाम से ज़्यादा को पता ना लग रहा हो ठीक है आगे जाकर डिस्कस करेंगे तो पता लग जाएगा क्योंकि ये काफ़ी फेमिलियर्स से अपलायंस है काफ़ी फेमिलियर्स इनकी लेबलिंग होती है ठीक है तो आगे देखते हैं ट्विस्ट विद एनर्जी एफिशिएंसी तो एनर्जी एफिशिएंट आपके अप्लायसेज कौन से होते हैं आपने देखा होगा कि जब आप कोई नया कुछ लेते हैं जैसे ए या फ्रिज लेते हैं तो उस पर लेबलिंग की जाती है उस पर स्टार बनाए रहते हैं कि ये टू स्टार है ये थ्री स्टार है ये फोर स्टार है तो जितने ज़्यादा स्टार होते हैं वो उतना ही ज़्यादा उसको एनर्जी एफिशियंट माना जाता है ठीक है तो आजकल आपके मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके जो है अब इसी लेबलिंग के साथ आ रहे हैं ठीक है अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं हर आपको हर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस में इसको देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है एक सर्वे भी हुआ था सर्वे में ये पता है जिसमें आपके पंद्रह हज़ार घरों का सर्वे किया गया 21 स्टेट्स में तो उसमें यह पाया गया कि 75 परसेंट एयर कंडीशनर जितने भी आपके मतलब पिछहत्तर परसेंट से ज़्यादा आपके जो एसी होते हैं ठीक है उनमें स्टार की लेबलिंग हमें देखने को मिलती है वहीं रेफ्रिजरेटर की बात करें तो सत्रह साठ प्रतिशत हमें लेबलिंग देखने को मिलती है ठीक है और अगर अगर हम एल लाइट्स के यूज़ की बात करें तो आजकल ऑलमोस्ट हर घर में एल ई डी और एल ई ट्यूब्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है जो पहले आपके फ़िलामेंट वाले जो आपके बल्ब आते थे ठीक है उनका इस्तेमाल हमें बहुत कम देखने को मिलता है ठीक है तो ये बहुत अच्छी बात है हमें इन सब को जो है बनाए रखना होगा लेकिन एक चीज़ जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है वो है फैंस पंखे ठीक है सीलिंग फैंस ठीक है उन पे आप देखना कभी उन पे आपको मोस्टली जो लेबलिंग होती है स्टार वाली वो हमें देखने को नहीं मिलती ठीक है वो एनर्जी एफिशिएंसी का जो लेबल होता है वो हमें पंखों पर देखने को इतना नहीं मिलता ठीक है और वहीं अगर टेलीविजन की बात करें तो आ, जो हमारे टेलीविज़न के जो स्टॉक हैं अभी करंटली उनमें सिक्सटी परसेंट जो है वो आपके सी आर टी है सी आर टी मतलब कैथोड थर्ड रेट जो आपके डब्बे वाले टीवी होते हैं ना आजकल तो आपके एल सी डी एल ई डी आ रहे हैं जो दीवारों में लग जाते हैं लेकिन पहले के जो आपके मॉडल थे सी जो डब्बे वाले टी आपके होते हैं ठीक है वो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे जो एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होती है उसमें जो बिजली की खपत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो उनको भी हमें टैकल करने की ज़रूरत है एक फैंस वाला जो आपका था इशू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है देन आपका थर्ड है डिज़र्ट कूलर्स वाला ठीक है जो आपके डेजर्ट कूलर्स होते हैं ठीक है तो उनमें भी आपका लेबलिंग प्रोग्राम अभी नहीं आ रहा है जो आपके पहले के डेजर्ट कूलर्स थे ठीक है जिनमें आपका घास का इस्तेमाल मोस्टली होता है आजकल तो ऐसे ऐसे कूलर आ रहे हैं जिनमें घास का इस्तेमाल नहीं होता ठीक है लेकिन डेजर्ट कूलर्स में आपका घास का इस्तेमाल होता है फिफ्टीन परसेंट होम्स में हमें देखने को मिलते हैं ठीक है उनमें जो लेबलिंग है वो नहीं है अभी फिलहाल ठीक है तो द वे फॉरवर्ड तो फिर वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो क्या क्या हम कर सकते हैं ठीक है तो तो वही है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसिस ठीक है जो एनर्जी एफिशिएंट जो आपके अपलाइंसिस हैं उनकी अवेलेबिलिटी हमें बनानी बढ़ानी पड़ेगी ठीक है ताकि सब लोग उनको अफोर्ड कर सकें ताकि सब लोग को उनको एक्सेस मिले ठीक है और अगर हम बात करें सीलिंग फैंस की तो हमें उम्मीद है कि दो तक सीलिंग फैंस को भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि उनको भी जो है स्टार लेबलिंग करनी पड़ेगी उनको भी जो है एनर्जी एफिशिएंसी का जो वो सर्टिफिकेट होता है जो मतलब वो लेबल होता है वो उनको अटैच करना पड़ेगा लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मान लीजिए उसको ऐसा कर देते हैं उस पर स्टार लेबलिंग आने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं जिसकी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट बढ़ जाएगी ठीक है अगर हम आज भी जो हमारे फैंस आते हैं जिन पर एनर्जी एफिशियसी का टैग लगा रहता है तो उनकी कॉस्ट जो रहती है वो आपकी नॉर्मल फ़ैन से डबल रहती है ठीक है जो आपके नॉर्मल पंखे होते हैं ठीक है उनसे डबल उनकी कॉस्ट होती है ठीक है तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में सब लोग तो इनको अफोर्ड कर नहीं पाएंगे फिर तो कहीं ना कहीं हमें इनोवेटिव मॉडल्स की ज़रूरत है ठीक है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स की हमें ज़रूरत है कि जिससे कि ये इसकी कॉस्ट भी कम हो जाए और ये जो एफिशेंसी है एनर्जी एफिशेंसी वो भी बनी रहे ठीक है देन सेकेंड आपका है नेशन वाइड कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन ठीक है बहुत सारे लोग हमारे देश में आज भी इस बात से अवगत नहीं है इस बात से वो लोग जागरूक नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है कि एनर्जी एफिशिएंट हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं उनके लिए तो सारे प्रोडक्ट बराबर ही होते हैं ठीक है कोई ऐसा किसी प्रोडक्ट को वो लोग कम या ज़्यादा एफिशिएंट नहीं देखते ठीक है उनके लिए तो सब बराबर की बिजली खाते हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हमें अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि उन लोगों को पता लगे कि हाँ ऐसे भी कुछ है फिर वो आ, स्टार, स्टार लेबलिंग वाले प्रोडक्ट्स को ही बाय करें ठीक है तो इससे जो है हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी ठीक है

तो उन स्टार मीटर उन स्मार्ट मीटर्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम लोग एक्चुअल सेविंग्स को मेजर कर सकें ठीक है और जो बेनिफिट्स जो उनके हो रहे हैं वो हम गवर्नमेंट को शो कर सक सॉरी कंज्यूमर्स को हम लोग डेमोस्ट्रेट कर सकें कि ये जो फ़ायदे हैं ये आपको हो रहे हैं ठीक है इतनी सेविंग्स आपकी हो रही हैं इन चीज़ों से ठीक है इन अप्लाइंस की मदद से ठीक है तो इन सब का इस्तेमाल जो है हमें एफिशिएंट तरीके से करना चाहिए स्मार्ट मीटर्स को भी जो है हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन कर सकें ठीक है ताकि वो और अच्छे एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसिस का इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट हों ठीक है देन टू अगर हम कंक्लूड करें तो टेस्टेड सक्सेस इन रिसेंट ईयर्स बाय एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है आपको पता है गवर्नमेंट की ज्वाला स्कीम है जिसमें एल ईडी बल्ब जो थे आपके उनको काफ़ी प्रमोट किया गया था तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे कार्बन एमिशन थे वो भी 82 मिलियन टन तक हमारे कम हुए ठीक है तो काफ़ी अच्छी बात ये हमारे लिए रही तो ऐसी और भी स्कीम्स ऐसी और पॉलिसीज जो है सरकार को लाने की ज़रूरत है ठीक है अगर हम ये सारी चीज़ें लगातार करते रहेंगे तो जो हमारी जो पावर सप्लाई होगी जो हमारे एफिशेंट जो अप्लाइंसिस हमारे होंगे ठीक है उस उससे ट्वेंटी फोर बाई सेवन पावर हमारे पास लगातार रहेगी ठीक है ट्वेंटी फोर बाई सेवन मतलब चौबीस घंटे जो है हमारे पास लगातार बिजली का पूरा पूरा एक्सेस रहेगा अगर हम एक एफिशिएंट और एक सस्टेनेबल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है इसके लिए एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस की ज़रूरत हमें पड़ेगी दे नेक्स्ट आपका हिस्ट्री अप्रूवल नो ट्रांसपेरेंसी ठीक है अप्रूवल आपको पता है किसको मिला है अभी दो वैक्सीन को मिला है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ठीक है तो दोनों वैक्सीन्स को जो है अप्रूवल मिल दिया है अब हमें उम्मीद है कि अभी शायद और दो या तीन दिनों के बाद हमारे देश में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन जो कंसर्न्स जो हमारे देश में देखने को मिल रही है इन चीज़ों से रिलेटेड वो है आपकी ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड मतलब जो डाटा था वो इतना सफिशेंट अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट नहीं था ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपको अप्रूवल दे दिया गया इन वैक्सीन्स का ठीक है तो इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल रही है द रेगुलेटर डिड नॉट वेट फॉर सफिशेंट एंड सेफ्टी एंड एफिशियसी डाटा टू बी कलेक्टेड एंड इट डिड नॉट शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल्स बिफोर ग्रांटिंग ट्रायल अप्रूवल ठीक है तो कोई डाटा हमारे पास सॉलिड एविडेंस था नहीं इनकी आ, सेफ्टी को प्रूफ करने के लिए लेकिन फिर भी जो है रेगुलेटर्स ने इनको अप्रूव अप्रूवल दे दिया तो ये जो है एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है तो ट्रांसपेरेंसी जो है इसमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी तो इम्पोर्टेंट है ही है देखिए सरकार के कामकाज में तो पारदर्शिता बहुत इम्पोर्टेंट है ही है लेकिन जब वैक्सीन आप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें भी पारदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है अगर अगर पारदर्शिता होगी अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो जो आपके लोग होंगे उनका भरोसा बना रहेगा वैक्सीन में कि हाँ ये जो तो वैक्सीन है ये काफ़ी सेफ़ है ठीक है वो लोग हैजिटेट नहीं करेंगे उन वैक्सीन को लेने में उनको लगवाने में ठीक है क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने हेजिटेट कर किया कि हम जो है इस वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे और मान लीजिए वो वैक्सीन आपकी अच्छी हो ठीक है लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एविडेंस ना हो ठीक है वैक्सीन तो वो बहुत अच्छी हो बहुत ज़्यादा अच्छी हो लेकिन सपोर्ट करने के लिए एविडेंस ना हो और लोग हेजिटेट करने लग जाएँ तो सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान जो है उनका हो रहा है एक अच्छी वैक्सीन होने के बावजूद भी वो लोग लग लगवा नहीं रहे सिर्फ किस वजह से क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी वो लोग वो लोग जो है हेजिटेट कर रहे थे उस वैक्सीन को लगवाने में क्योंकि डाटा नहीं था हमारे पास ठीक है तो ये काफ़ी एक चिंता का विषय हो सकता है ठीक है क्योंकि अगर लोगों ने हेजिटेट करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग जो है वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और कहीं ना कहीं जो हम चैन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो चैन हम ना तोड़ पाएँ हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो जो ट्रांसमिशन की जो चेन है ये टूट जाए ठीक है सब लोग जो है अच्छे से जो है पार्टिसिपेट करें और एक हम यह भी उम्मीद करेंगे कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स कोई एडवर्स इफेक्ट्स हमें ना देखने को मिले इस वैक्सीन के ठीक है तो इंडिया में तो बिना किसी डाटा के अप्रूवल दे दिया गया लेकिन अगर हम यू और यू की बात करें तो वहाँ पर जो है लाइव टेलीकास्ट किया गया था जितने भी आपकी एग्जामिनेशन किए गई जितने भी आपकी बातचीत की गई अप्रूवल देने से पहले उसका जो है लाइव टेलीकास्ट किया गया ठीक है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इंडिया में लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया इंडिया में जो है बिहाइंड क्लोज जो सब कुछ कर दिया गया नो एबीशियस डाटा तो अगर हम बात करें तो कोविशील्ड के फेज़ टू और थ्री ट्रायल्स में हमारे 1600 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ठीक है 1600 लोगों ने जो है इसमें वॉल्टियर्स ने पार्टिसिपेट किया और वहीं अगर हम बात करें तो कोई डाटा हमारे पास इसका था नहीं कोई पब्लिश डाटा हमारे पास था नहीं ठीक है यूके रेगुलेटर्स ने जब इसको अप्रूव किया तो हमारे देश में ये बात ऑलरेडी स्टार्ट हो स्टार्ट हो चुकी थी कि अगर यूके में अप्रूवल मिल गया तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इसके अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं ठीक है तो यही हुआ और यूके में अप्रूवल मिलने के बाद जो है हमारे देश में भी इसको अप्रूवल दे दिया गया ठीक है और जो सेकंड डोज पे जो बातचीत है कि सेकंड डोज जो इस वाली वैक्सीन की जो आपकी कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी सेकंड डोज कब देनी है ठीक है उस बात को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस हमारे पास है नहीं ठीक है बिना किसी एविडेंस के अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो सेकंड डोज जो है कब देंगे ठीक है और यूके में अगर बात करें तो यूके में तो ऐसा कहा गया है कि जो आपकी सेकेंड डोज होगी वो आपकी फर्स्ट डोज के चार से बारह हफ्तों के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं ठीक है मतलब पहले डोज के चार या बारह हफ्ते के बीच में आप कभी भी जो है सेकेंड डोज दे सकते हैं ऐसा यूके के रेगुलेटर्स का कहना है लेकिन इंडिया में कोई इस प्रकार की स्टडी नहीं की गई कोई इस प्रकार के टेस्ट जो है वो नहीं किए गए ताकि हम लोग पता लगा सकें कि इंडियन पॉपुलेशन में सेकेंड डोज कब देनी है ठीक है तो अब जो है ये टोटली इंडियन गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो सेकेंड डोज कब देना निश्चित करेंगे ठीक है ठेके? तो अब कोवैक्सीन को पता है कोवैक्सीन के तो ट्रायल्स पूरे कंडक्ट भी नहीं किए गए थे ठीक है तो कोवैक्सीन को पहले ही अप्रूवल दे दिया गया जैसा कि आपका रशिया में हुआ था स्पटनिक फिफ्थ वैक्सीन के साथ और वहीं चाइना में आपका एक कैंसिनो नाम की एक वैक्सीन थी ठीक है वहाँ पर भी इसको ऐसी अप्रूवल दे दिया गया था तो कोवैक्सीन सब बिल्कुल डेफिनेटली वही हुआ है ठीक है जिस चीज़ को हम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे रक्षा के टाइम पर वही काम सेम हमारे देश में भी हो गया ठीक है और एक आपका स्टेटमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि जो कोवैक्सीन है वो जो आपका नया वेरियंट आया है ठीक है कोरोना वायरस का जो यूके वाला जो वेरियंट है उसके उसको भी जो है आराम से न्यूट्रलाइज़ कर देता है ठीक है तो इसका भी कोई एविडेंस हमारे पास है नहीं बिना हमने बिना किसी एविडेंस के बेसिस पे ये स्टेटमेंट को देखा ठीक है जो स्टेटमेंट था ये बिना किसी एविडेंस के था ठीक है किसी कोई एविडेंस की बैकिंग इसको नहीं दी गई थी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर किस अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है ये बात हो रही है कि आपको पता है कि यू एस में अगर हम देखें तो यू एस में आपके जो केसेज़ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं ठीक है जो आपकी मोर्टेलिटी है वो लगातार बढ़ रही है यू एस में फिर से ठीक है यू के में बात करें तो यू के में आपका नया वेरियंट आ गया है वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर फैल रहा है ठीक है बहुत सारे लोगों को वहाँ से इन्फेक्टेड पाया गया है लेकिन अगर हम इन दो से अलग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिल्कुल उल्टा चल रहा है इंडिया में जो केसेज हैं वो लगातार कम रो कम हो रहे हैं जो आपकी मृत्यु दर है वो भी लगातार नीचे आ रही है ठीक है इसके बावजूद भी जो है इंडिया ने काफ़ी जल्दी दिखाई इसको अप्रूव करने में वैक्सीन को अप्रूवल देने में ठीक है तो डॉक्टर साहब का यहाँ पर यह कहना है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए जो इंडिया जो है एक काफ़ी अच्छी स्टडी कर सकता था जो ट्रायल्स हैं उसको आसानी से टाइम पे कम्प्लीट कर सकता था थोड़ा थो थो और जो है वक्त वो अपने आप को दे सकते थे ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया सब कुछ कंट्रोल में होने के बावजूद भी जो है जल्दी मचाई गई जल्दबाजी की गई और अप्रूवल दे दिया गया जो कि काफ़ी गलत बताया जा रहा है ठीक है तो अगर हेजिटेंसी की बात करें तो हेजिटेंसी से हमें क्या देखने को मिल सकता है क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं तो एक सर्वे किया गया था 2018 में जिसमें यह पाया गया था कि 121 ज़िले ऐसे थे जहां पर 24 प्रतिशत से ज़्यादा बच्चे ठीक है 24 या 24 प्रतिशत से ज़्यादा बच्चे जो थे उन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया हुआ था क्योंकि उनके पेरेंट्स के मन में अप्रीहेंशन थी उनके पेरेंट्स के मन में हेजिटेशन थी कि जो वैक्सीन है जो हम उनसे हम टीकाकरण करवाएंगे कर उनका उससे जो है एडवर्स इफेक्ट्स उनके बच्चों में देखने को मिल जाएंगे ठीक है सिर्फ इसी कारण की वजह से उन उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो आप सोचिए कि अगर यही हेजिटेशन अगर आ, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के मन में आ गई तो कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो कहीं ना कहीं कोई हमें ख़तरा ना हो जाए हमारी ज़िंदगी में ठीक है अगर ये अप्रीहेंशन ये हेजिटेशन अगर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स में आ गई तो वो लोग वैक्सीनेशन करवाने से अगर उन्होंने मना कर दिया तो तो कितनी तो प्रॉब्लमेटिक स्थिति खड़ी हो जाएगी ठीक है सोचिए आप ठीक है जिन लोगों को हम सबसे पहले बचाना चाहते हैं अगर उन्होंने ही मना कर दिया तो हमारा क्या होगा ठीक है तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक है थीके? तो इस पर थोड़ा सोच समझ के जो है काम करना चाहिए था आगे है अब जो है हम उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो कोई ख़राब चीज़ ना हो ठीक है सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो ठीक है उम्मीद करेंगे आप लोग भी उम्मीद कीजिए मैं भी करता हूँ ठीक है प्रे करेंगे ठीक है तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है क्वालिटी गिग्स अ सोल्यूशन टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट ठीक है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इसकी बातचीत जो है वो आपकी कोरोना पैंडमिक के वक्त में काफ़ी ज़्यादा हुई ठीक है क्योंकि पता है आपको कि जो आपके माइग्रेंट लेबर्स थे वो तो आपके चले गए ठीक है रिवर्स माइग्रेशन करके वो लोग अपने गाँव की तरफ चले गए वहां पर जाकर उनको रोजगार मिल गया एम जी नरेगा के थ्रू उनको रोजगार मिल गया लेकिन जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट था उसको किसी भी प्रकार का सहारा नहीं मिला ठीक है ग्रामीण जगहों पर तो एम जी नरेगा की वजह से काम मिल गया थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए उसको टैकल करने के लिए कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी तो उसी बारे में यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि क्या सोल्यूशन जो है यहाँ पर दिया जा रहा है तो थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से स्टार्टिंग की गई है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर परसेंट की जो है हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली इंडियन इकोनॉमी में और फिर यही उम्मीद लगाई गई कि हम जो है एक वी शेप रिकवरी देखने की तरफ जा रहे हैं लेकिन इन सब के बीच जो एक टॉपिक था जिसको भूल जिसको जो है भुला दिया गया वो था आपका एम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन ठीक है अर्बन जगह अर्बन एरियाज में आपका एम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन ठीक है तो एक रिपोर्ट अगर हम रिसेंटली बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी काफ़ी फेमस ही आपका एक इंस्टीट्यूशन है इसकी रिपोर्ट की अगर हम बात करें <coughs> तो उसमें यह बताया गया है कि जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है जो दर है वो नवंबर में आपके लिए सिक्स पॉइंट फाइव वन परसेंट और ये रेट आपका बढ़कर नाइन पॉइंट ज़ीरो सिक्स परसेंट हो गया दिसंबर में ठीक है मतलब थ्री परसेंट लगभग हमें थ्री परसेंट की जो है इसमें हमें एक स्पाइक देखने को मिला तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ रही है ऐसा हमारा यहाँ पर कहना है और नरेगा की बात करें तो जब आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जो आपके माइग्रेशन करके गए थे रिवर्स माइग्रेशन करके जो आपके आ, लेबर्स गए थे वापस अपने गांव की तरफ तो उनको नरेगा के थ्रू काम मिल गया ठीक है काफ़ी जो है हमें एक इंक्रीज़ भी देखने को मिला डिमांड में वर्क की जो डिमांड थी वो हमें काफ़ी उसमें एक स्पाइक भी देखने को मिला तो उनको काम मिल गया जो आउटले था जो इन्वेस्टमेंट uh, जो एलोकेशन किया गया था वो भी गवर्नमेंट uh, ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया ठीक है लेकिन अगर हम बात करें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तो उनको डील करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं तो एक रिपोर्ट आई थी ठीक है तो एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट में जो है आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके हैं ना डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके जैसे आपके ऊबर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है पता आपको ठीक है ऊबर ओला एंड स्विगी जोमेटो एट्सेट्रा ये सारे आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं तो इन पे जो आपके गिग वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को जो है इवेल्यूएट करने के लिए एक रिपोर्ट जो है बनाई गई उस रिपोर्ट में आपके पांच मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया ठीक है पांच मैट्रिक्स थे आपके मतलब पैरामीटर्स थे फेयर पे फेयर कंडीशन फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स फेयर मैनेजमेंट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो इन पांच मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया और इन पांच मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके जब रिपोर्ट बनाई गई जब कंक्लूजन निकाला गया तो उसमें यह पाया गया कि सिर्फ दो ही आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो जो है पाँच से ज़्यादा स्कोर लेकर आते हैं ठीक है मतलब दस में से पाँच से ज़्यादा स्कोर करने वाले आपके सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म्स थे एक आपका अर्बन कंपनी और एक आपका फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट आपको पता है एक शॉपिंग वेबसाइट है और अर्बन कंपनी के लिए मैं शोर नहीं हूँ अर्बन कंपनी जहाँ तक मेरे को याद है एक शायद मैंने ऐड देखी थी जिसमें कोई आपके वर्कर्स आए थे वो आकर शायद घर की सफाई कर रहे थे ठीक है वो आपका अर्बन कंपनी था मेरे ख्याल में ठीक है तो इन दोनों ने ही जो है आपका सिर्फ फाइव से ज़्यादा का स्कोर किया वरना अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम में आपके काफ़ी फेमस चार प्लेटफॉर्म्स हैं ठीक है जिनको हम जहाँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्होंने जो है जगह बनाई देन वो थे आपके ऊबर ओला स्विगी एंड जोमेटो मतलब काफ़ी पैथेटिक जो है उनका परफॉर्मेंस रहा ठीक है तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है बेटर वर्किंग कंडीशन हमें वर्कर्स को नहीं दे रहे हैं ठीक है तो इनको जो है इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है विद नो अर्बन वन इक्वेलेंट टू द नरेगा ऑन द दॉरीजोन there must be there there must be an increased impetus on evaluating regulating and supporting new forms of employment that may currently be serving as an informal safety net for those desperately in search of work ठीक है तो नरेगा कोई अर्बन इक्वेलेंट तो है नहीं नरेगा जैसी कोई स्कीम हमें मेट्रो एरियाज में या फिर अर्बन एरियाज में हमें देखने को नहीं मिलती शहरी एरिया में हमें देखने को नहीं मिलती ठीक है तो अब जो हम फोकस कर सकते हैं वो हम इवेल्यूशन रेगुलेशन और इन पर ही हम कर सकते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सपोर्ट करें ठीक है हम लोग ऐसी स्कीम्स ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो कि उन लोगों की मदद करें जो कि काम की तलाश में है ठीक है तो ऐसा एक एग्जांपल हम दे सकते हैं आपका पार्टनरशिप का ठीक है पार्टनरशिप अगर हम आ, सरकार की किसी फ्लैगशिप जो स्कीम आपकी जैसे आपकी पी एम स्वनिधि स्कीम आई थी ठीक है तो उस स्कीम का इस्तेमाल करते हुए आपको पता है स्विगी एक काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म था है अभी भी है ठीक है फूड डिलीवरी करता है आपका ये प्लेटफॉर्म तो उसने पी एम स्कीम के तहत जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स थे ठीक है जो आपके स्ट्रीट फूड वेंडर्स थे उनको जो है अपने स्विगी के प्लेटफॉर्म पर उनको अपॉइंट किया ठीक है उनको जो है अपने प्लेटफॉर्म में इंक्लूड किया तो अब उनको छत्तीस हज़ार जब आपके स्ट्रीट वेंडर्स को जब इंक्लूड किया गया तो कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिला ठीक है स्विगी ने सरकार की स्कीम स्कीम इस का इस्तेमाल करते हुए जो है उनको अपॉइंट किया तो हमें जो है यहाँ पर क्या देखने को मिली पार्टनरशिप देखने को मिली ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच में हमें पार्टनरशिप देखने को मिली ठीक है तो ऐसी पार्टनरशिप जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं ताकि फायदा हो आपके इनफॉर्मल वर्कर्स को ठीक है आपके जो इनकी जो काम की तलाश में है इनको काम मिले ठीक है तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं और जब स्विगी ने ऐसा किया तो स्विगी ने इनको सर्टिफिकेट भी मांगा इनसे कि आप जो है फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया जो आपका एफ है ठीक है आप जो है यहाँ से सर्टिफिकेशन करवा के आइए अपना तो इससे क्या हुआ कि दोनों को ही फायदा हो गया ठीक है जो आपकी जो आपकी स्विगी आपको पता है कि delivery, आपक, एक फूड डिलीवरी आपके आपकी वेबसाइट एक ऐप है ठीक है तो उनको जो है सर्टिफाइड वर्कर्स भी मिल गए ठीक है जिनको उनके पास सर्टिफिकेशन पूरा पूरा है कि हाँ भाई वो लोग सर्टिफाइड है काम करने के लिए ये आपके ईटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ठीक है और वहीं उन लोगों को काम भी मिल गया ठीक है तो दोनों के लिए क्या हो गया म्यूचुअली बेनिफिशियल हो गया दोनों अर्बन एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो भाई फिर से भाई बात है कि सिमिलर कोलेब्रेशन हम लोग देख सकते हैं ठीक है जैसे हमें स्विगी और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच में देखने को मिली तो ऐसी ऐसी हम लोग जो है और आगे प्रमोट कर सकते हैं ठीक है करंट प्रपोजल फॉर एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी पैक डेली वर्कर्स वेजेस एट अप्रोसीमेटली रुपीज़ थ्री हंड्रेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ वन लैख करोड टू द एक्स चेकर तो अगर हम लोग नरेगा जैसे कोई स्कीम अगर हम अर्बन एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहें ठीक है तो जो हमारी जो कॉस्ट जो जाती है जो हमारी वेजेस जाती हैं वो आपकी रुपीज़ थ्री हंड्रेड तक जाती हैं ठीक है और वही जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सरकार का जो खर्चा आएगा वो खर्चा आपका आएगा एक लाख करोड़ रुपए का ठीक है वन लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा आएगा वो सरकार का आएगा ठीक है तो ना तो इतनी ज़्यादा वेजेस जो है सर आ, लोगों को ही मिल रही है ठीक है स्कीम के तहत मिलेगी मतलब ठीक है और ना ही जो इतना ज़्यादा फायदा है वो सरकार को हो रहा है ठीक है कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है वो सरकार को खर्च करना पड़ेगा तो हम जो है एक इनोवेटिव मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जो है कोलेब्रेशन की मदद से Uh, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि जो वेजेस हैं ये भी काफी ज्यादा बढ़ जाए और सरकार को भी जो इतना खर्चा ना उठाना पड़े ठीक है तो दोनों के लिए जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल ये हो जाए हम लोग जो है ऐसे कोलाब्रेशन को और आगे जो है प्रमोट कर सकते हैं तो नेक्स्ट आपका है इंडिया टू एम एट रिफॉर्म मल्टीलिटरलिज्म ठीक है एक जनवरी को आपको पता है कि इंडिया की जो मेंबरशिप थी नॉन परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में वो स्टार्ट हो चुकी है अगले दो सालों के लिए ठीक है तो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यू के टी एस त्रिमूर्ति साहब उनका स्टेटमेंट आया है कि इंडिया जो है वो लगातार यही कोशिश करता रहेगा कि वो जो है एक रिफॉर्म्ड मल्टी को लगातार पुश कर सके ठीक है लगातार जो है उसको प्रमोट कर सके ठीक है ऐसी जो है इंडिया की लगातार अपने दो सालों में यही कोशिश इंडिया की रहेगी उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया की जो कोशिश रहेगी वो आपकी रहेगी ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव सोल्यूशन टू द इशूज़ ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है जो सोल्यूशन जो, जो इंडिया फाइंड करने की कोशिश करेगा वो आपकी ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव होंगे ठीक है मतलब सबको जो है साथ में लेकर चला जाएगा और टेररिज्म वैसे टॉपिक्स की उन्होंने बात की कि टेररिज्म पे जो है हम लोग काफ़ी क्लैम डाउन करेंगे काफ़ी डाउन करेंगे मतलब मानवता के जितने भी दुश्मन हैं उन सबको जो है हम आड़े हाथ लेंगे ठीक है किसी को भी छोड़ेंगे नहीं तो पाकिस्तान से हम उम्मीद तो पाकिस्तान के लिए भी हम यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर जो है इंडिया जरूर थोड़ा बल देना चाहेगा कि पाकिस्तान में जितनी भी आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उन उनपे जो है रोक लगाई जाए तो इस साल जो आपकी कंट्रीज आपकी आई है मेंबरशिप के लिए वो आपके इंडिया के अलावा आयरलैंड है ठीक है मैक्सिकोन कीनिया एंड नॉर्वे तो ये नाम आप याद रखना ठीक है इंडिया आयरलैंड मैक्सिको कीनिया एंड नॉर्वे तो बाकी की न्यूज की बात करें तो सेवन्थ राउंड ऑफ टॉक्स विद फार्मर यूनियंस एंड इंस्टेलमेंट ठीक है तो आपको पता है कि सेवन्थ राउंड सातवें राउंड की बातचीत स्टार्ट हुई आपके यूनियन लीडर्स और फार्म यूनियंस के बीच में तो इसमें कोई कंक्लूजन आपका नहीं निकला स्टील मिट में जो है ये ख़त्म हुआ सेंट्रल विस्टा पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज अपना जजमेंट देने वाली है और टू लोन ऐप्स को गूगल को कहा गया है कि आप जो है इनको टेक डाउन कीजिए आप जो है इनको बंद कीजिए बैन कीजिए क्योंकि लोन ऐप्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सुसाइड जो है हमें साउथ इंडिया में देखने को मिली है ठीक है तो इसी वजह से जो है आपका स्टेप उठाया गया है बजट सेशन टू बी हेल्ड बजट सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है पता आपको जहां पे बजट हमारा प्रेजेंट किया जाएगा तो उसमें भी जो है आपके कर्ब्स देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा जो प्रोटोकॉल्स का जो फॉलो है वो हमें देखने को मिलेगा ठीक है काफी प्रोटोकॉल्स जो हमें प्लेस में देखने को मिलेंगे जयशंकर टू विजिट श्रीलंका टुडे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है सुब्रमण्यन जयशंकर जी वो श्रीलंका के विजिट पर आज जा रहे हैं दो दिनों के लिए ठीक है हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएँ और श्रीलंका के साथ धीरे धीरे एडवर्स इवेंट्स मस्ट बी रिपोर्टेड फोर्ट नाइटली ठीक है ये वैक्सीन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है ठीक है जो आपकी दो वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड उनको कहा गया है कि आप लोग हर पंद्रह दिनों में एक रिपोर्ट जो है फाइल करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ होगा ठीक है तो उसके बारे में आप लोग बताएंगे देन जैक मा मिसिंग अमित चाइनाज क्रैम डाउन ऑन हिज बिजनेसिस जैक मा जो आपके अलीबाबा ग्रुप के जो फाउंडर थे ठीक है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं पिछले दो महीनों से ठीक है ये आपका सिर्फ एक रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं ठीक है ये प्रूफ अभी हुई है अभी हुआ नहीं है ठीक है सिर्फ दो महीनों से वो पब्लिक में कहीं देखे नहीं गए हैं इसी वजह से जो है ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है वियतनाम बाइज़ इंडियन राइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेट्स ठीक है अब दशकों के बाद वियतनाम ने जो है भारत आ, से चावल ख़रीदा है ठीक है वियतनाम और इंडिया जो है काफ़ी टफ कॉम्प एक दूसरे को देते हैं चावलों के मामले में चावल एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया सबसे बड़ा आपको पता है एक्सपोर्टर है राइस का थर्ड नंबर पे आपका वियतनाम आता है ठीक है तो वियतनाम ने जो है अब इंडिया से चावल ख़रीदा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए क्योंकि वियतनाम जो है वो कभी इंडिया से चावल खरीदता नहीं था ठीक है अब वियतनाम में जो डोमेस्टिक प्राइजेस थे वो काफ़ी हाई हो चुके थे इसी वजह से जो है ये चावल खरीदे गए हैं वियतनाम के द्वारा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई प्रॉब्लम आपको जानने में हुई नहीं होगी अगर किसी प्रकार का डाउट आपको हो तो आप जो है हमारे डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं आपसे कल थैंक यू सो मच सब्सक्राइब इच यू एस एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम थैंक यू